आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला कर लिया है। पटिशन में अदालत उज़्मा से इस्तदा की जाएगी कि दोनों सूबों में निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए जाएँ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना वहीद से। जी राना वहीद, बताइएगा क्या इस्तदा की जा रही है पीटीआई की जानिब से? जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों का जो मामला है, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला किया गया है। और पिटीशन जो है साबिक वजीर आला जो है परवेज इलाही और साबिक वजीर आला केपी के महमूद खान और फवाद चौधरी की तरफ से दायर की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आला सती मशावरत के बाद पिटीशन दायर करने की मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट से निगरान हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने पर पंजाब और केपी में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। निगरान हुकूमत अपनी 90 दिन की आईनी मुद्दत से आगे नहीं जा सकती, फवाद चौधरी ने ऐसा कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि दोनों सूबों में एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज या कल तक जो है ये पिटीशन दायर कर दी जाएगी, फवाद चौधरी ने इस बात की तस्दीक की है। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपने तफसीलात से आगाह किया।